कर बनवाया है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगा दी गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है। पहले आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, जो अब नहीं रहेगी। ये नई मूर्ति आप देख रहे हैं, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी पहले की मूर्ति, वहीं उसके हाथ में तलवार के जगह संविधान की किताब अब दी गई है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है और इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। तो आंखों से पट्टी हट चुकी है, हाथ में संविधान रहेगा, न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव किया गया है, अब कानून अंधा नहीं है, ये संदेश भी दिया गया है। हाथ में तलवार की जगह अब संविधान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अब नई मूर्ति है, नई प्रतिमा है, वो कुछ ऐसी दिखेगी। पहले आपने देखा था किस तरह से आंख पर पट्टी बंधी रहती थी न्याय की मूर्ति पर अब ये फैसला लिया गया, उसके बाद ये ऑर्डर देकर बनवाया गया, ये मूर्ति फिर से बनवाई गई सुप्रीम कोर्ट में। न्याय की देवी की नई प्रतिमा अब लग चुकी है। हाथ में संविधान रहेगा, तलवार की जगह पर तराजू जो था वो रहेगा। और हमारे साथ सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी की मूर्ति जो प्रतिमा थी उसमें बदलाव किए गए हैं, और पहले लंबे वक्त से हमने देखा कि सवाल इस पे उठते आए हैं कि आखिर आंखों पर पट्टी क्यों है, क्या ये संदेश देती है कि क्या कानून अंधा है। इस मुद्दे पर लगातार बातें होती रही, अब जाकर के यहां पर नया बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। बदलाव न सिर्फ कानून में किया गया, जिस तरीके से सीआरपीसी और आईपीसी को बदल कर बीएनपीएस लाया गया, अब न सिर्फ इसको बदला गया बल्कि न्याय की देवी की आंखों की पट्टी को उतार दिया गया। आपने जिस तरह से मुहावरे का जिक्र भी किया, कानून अंधा होता है, यह मुहावरा हुआ करता था। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में तराजू होता था। तराजू का मतलब यह होता था कि न्याय हमेशा सबूतों, गवाहों और तथ्यों के आधार पर फैसला लेता है, और जो इंसाफ होता है, जो न्याय होता है, वो तलवार की धार के साथ तेज और सटीक होता है। लेकिन अब आज जो जजों की लाइब्रेरी है, उसमें न्याय की देवी की आंखों से इस पट्टी को उतार दिया गया है, यानी कि कानून अंधा नहीं होता है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी परिपाटी, देखिए ऋतु, अगर मैं बताऊं तो उसको आज एक तरह से नए भारत ने एक नया रूप दिया है और हाथों में संविधान दिया है, हाथों में भारत का संविधान दिया, यानी कि यह देश संविधान से चलता है, कानून अंधा नहीं होता, संविधान के आधार पर ही इंसाफ किया जाता है, न्याय किया जाता है। और यह कई चीजें होती हैं जो प्रतीकात्मक होती हैं, और ये प्रतीकात्मक एक तरह से कहें कि न्याय के प्रति जो लोग आस लगाए होते हैं, वो जब इस न्याय की मूर्ति के आंखों में पट्टी बंधी हुई देखते थे, वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश भी देता था। अंग्रेजों के जमाने से चला रहा था और अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, कोई इस पर सोचता नहीं था, लेकिन आज यह ऐतिहासिक कदम, यह ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला है, और यह एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। दो तस्वीरें भी आई है, आपको इस वक्त दिखाते हैं कि पहले ये प्रतिमा कैसी दिखती थी और अब ये प्रतिमा कैसी है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो पुरानी तस्वीर हुआ करती थी,
और जिसमें आप देख रहे हैं आंखों पर पट्टी, हाथ में तलवार। दूसरी तस्वीर जो बदलाव किया गया है, नई मूर्ति आई है, नई प्रतिमा आई है, उसमें जो है आंखों पर अब पट्टी नहीं होगी और साथ ही साथ जो हाथ में तलवार हुआ करती थी वो अब नहीं होगी। तलवार की जगह संविधान हाथ में रहेगा। तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में संविधान दे दिया गया है, न्याय की देवी की प्रतिमा में यह बड़ा बदलाव किया गया है।